भूतों की शक्ति भूत प्रेतों की गति एवं शक्ति अपार होती है। इनकी विभिन्न जातियां होती है और उन्हें भूत प्रेत राक्षस पिशाच यम शाकिनी डाकिनी चुड़ैल गंधर्व आदि कहा जाता है। प्रत्योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, लेकिन सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भधारण कर मानव बन जाते हैं। भूत की ताकत भूत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर धुंधल के तथा वायु से बने होते हैं, अर्थात वे शरीर विहीन होते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आयुर्वेद अनुसार यह 17 तत्वों से बना होता है। कुछ भूत अपने इस शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो कुछ नहीं। कुछ भूतों में स्पर्श करने की ताकत होती है तो कुछ में नहीं। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। ऐसे भूत यदि बुरे हैं तो खतरनाक होते हैं। यह किसी भी देहधारी व्यक्ति को अपने होने का एहसास करा देते हैं। इस तरह के भूतों की मानसिक शक्ति इतनी बलशाली होती है कि यह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलटकर उससे अच्छा या बुरा कार्य करा सकते हैं। यह भी कि यह किसी भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करना भी जानते हैं। ठोस पर न होने के कारण ही भूत को यदि गोली तलवार लाठी आदि मारी जाए तो उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। भूत में सुख दुख अनुभव करने की क्षमता अवश्य होती है, क्योंकि उनके बाह्यकरण में वायु तथा आकाश और अंतःकरण में मन बुद्धि और चित्त संज्ञा शून्य होती है, इसलिए वह केवल सुख दुख का ही अनुभव कर सकते हैं।